बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और आप सब लोग कैसे हैं? और हम सब की दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आप सबको बहुत बहुत खुश रखे और खुशियों के साथ आपको अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, और कोई भी परेशानी हो अल्लाह पाक उसको अपनी रहमत से दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और कल हमारे घर में इफ्तार पार्टी है, तो यहाँ पर सब दुकानें जो हैं बिल्कुल बंद हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारी मार्केट बंद है। तो हमने सोचा कि हम इफ्तार पार्टी के लिए मीठा बनाएँ, तो हम लोग बना रहे हैं आज गुलाब जामुन। तो हम घर पे हम सब तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरह हम बनाएंगे आप लोग हमारे साथ रहिएगा, और मेरे साथ मदद करेंगे यहाँ पर मोहतर और अंबर हेल्प कराएंगी, और मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी मदद करी है, काफ़ी सारा सामान वामान लेके आए आज सुबह से, और रोज़ा भी था माशाल्लाह से। इस रमज़ान में पूरे रोज़े रख रहे हैं, ये बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि वैसे रमज़ान में तो जुम्मे को और जुमेरात को रोज़े रखते थे, मगर इस साल माशाल्लाह पूरे रोज़े रख रहे हैं। आप सबको भी अल्लाह पाक माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की तौफीक दे और हिम्मत दे, ताकत दे। और चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? अस्सलामु अलैकुम। तो सबसे पहले हम चाशनी बनाने के लिए रख देते हैं। तो चीनी लिए मैंने यहाँ पर 1.5 किलो, और 1.5 लीटर ही हम पानी लेंगे, तो आप नाप कर हिसाब से इस तरह ले लीजिएगा। अगर आप 1 किलो चीनी डाल रहे हैं तो 1 लीटर पानी डालिएगा। खोल दी जी। उसकी चाशनी हम बनाएंगे, 1 तार की हम चाशनी तैयार करेंगे। 1 किलो हमने लिया ये मावा, ये मावा बिल्कुल फीका है, तो ये आप घर में ही बना सकते हैं, मगर ये मैंने बाज़ार से मंगाया अभी। ये बाज़ार से आसानी से मिल जाता हाँ, है। हाँ, तो ये बाज़ार से मंगाया, मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो ये निकाल लिया मैंने। तो इसको हम हाथ से हथेली की मदद से हम इसको अच्छा सा मस लेंगे, और 1 पाव डालेंगे हम इसके अंदर मैदा। तो ये अभी मैंने निकाल के रख दिया है, 1 किलो मावे में 1 पाव हम मैदा शामिल करेंगे इसको मसलने के बाद। तो इस तरह से हम इसको अच्छा सा मसल लेंगे। तो ये देखिए हाथ से अच्छा सा इसको मिक्स कर दिया, बिल्कुल ऐसा हो गया है बिल्कुल बलाई की तरह। और अब हम इसमें जो 1 कप हमने मैदा निकाल के रखा था ना, ये हम डाल देंगे, और फिर डाल कर इसको फिर मिक्स करेंगे हल्के हाथों से इस तरह से। बहुत आसान है घर में बनाना, आप घर में बनाएं सफाई सुथराई से अपने सामने अपने हाथों से, तो बहुत अच्छा लगेगा और खुशी भी होगी, खुशी भी होगी। हमने गुलाब जामुन बनाए पहले भी बना चुकी हैं मम्मी, काले जामुन पहले चाय का पानी रख दिया है जो मीठी चाय पीती है। तुम इतना चाय का पानी आप ही पी सकती हो, इतना मीठा शीरा, इतना सा डालो, 1 ड्रॉप डालो इसका। हाँ, ये मेरे सब्सक्राइबर के लिए मीठी मीठी शुगर करानी है अपने सब्सक्राइबर को आपको, हैं? ये मोहब्बत है दुश्मन आई है। सही है, कल जब वो रोज़ा इफ्तार करने के लिए आएंगे ना, तो ये शीरा ही रख देना, सही है, मीठा है ये। कौन इतनी मेहनत करेगा? मैं करूँ? नहीं, अब मेरे हाथ हो रहे, तुम अभी सीखो, अभी सीखने की उम्र है तुम्हारी। वैसे ही मेरे पास कमेंट्स आई थी, आप अपनी बहू से बहुत काम कराती हैं, अल्लाह। और ये झूठ है, झूठ झूठ है, ये झूठ है, पता नहीं इनको क्यों लगता है कि मैं काम कराती हूँ। मेरा ख्याल नहीं आया भाई, अपने जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। लोगों का देखने का नजरिया गलत है, जो कि ये नजरिया गलत है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आप बेटी में फर्क करती हैं, इसमें करती हैं, तो अल्लाह जानता है क्यों करूंगी मैं डांट खा रही हूँ। हाँ, ये हकीकत है, मैं अंबर को डांटती हूँ अगर मोहतर काम कर रही होती है कि भाई इसके साथ जाके करो, बहुत डांटती हूँ। अगर मुझसे भी कोई मिस्टेक होती है ना, तो मुझे समझाया जाता है और अंबर को डायरेक्ट अंबर को नहीं, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, मैं भाभी पर डाल देती हूँ, उनको डांटने लगती, मुझे लग जाती है इसलिए। हाँ, मोहतर को मैंने आज तक कभी नहीं डांटा, अम्मी नहीं डांटती मुझे, कभी भी नहीं डांटा अम्मी ने मुझे। हाँ, समझाया है कभी, ये ऐसे नहीं ऐसे बस। सही, इसको मैंने मैदे को अच्छे से मसल लिया ऐसे, है ना। अच्छा, इसमें हम है ना थोड़ी सूजी डाल देंगे, तो सूजी डालेंगे हम, तो यहाँ पर डाल रही हूँ तकरीबन 4 चम्मच, ये 2, 3 और ये 4, ये 4 चम्मच डाल के, और फिर हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, तो ये होगा कि गुलाब जामुन जो है हमारे अच्छे मुलायम और क्रिस्पी बनेंगे। और ये जो इसकी बॉल्स होती है ना, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बिल्कुल मुलायम पड़ जाती है और बैठ जाती है, तो बिल्कुल गोल रहेगी इसकी शेप।
पे हम लेंगे रंग कार्ड, तो ये हम ले रहे हैं 2 चुटकी करीब, तो इसमें मैं डाल रही हूँ। वैसे तो ऐसे ही डाल देते हैं, बस एक कतरा हम डाल कर ना, एक कतरा ही पानी डाल के इसको अच्छा से ये इसको घोल लिया, और अब इस चाशनी के अंदर हम डालेंगे। अच्छा अम्मी, वैसे ये कहाँ मिलता है रंग कार्ड? ये दुकान पे मिल जाता है, इसके अंदर हम डालेंगे, डाल के और इसको मिक्स करेंगे तो ये साफ़ हो जाएगी चाशनी। ये रंग कार्ड जो है ये किसी भी पंसार की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा, और आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून के करीब। और छोटा चम्मच हमने लिया है बेकिंग पाउडर, तो इसको हमने बस 2-3 कतरे पानी डालकर इस तरह से घोल लिया है, और फिर इसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे। जैसे आटे को घूमते हैं, जैसे आटे में हम नमक डालते हैं ना, तो नमक की जगह हम ये डालेंगे ताकि अच्छा सा गुलाब जामुन फूले फूले बने, और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ठीक है ना, कितना अच्छा से आसानी से हमारा ये बैटर तैयार हो गया, तो चारों तरफ ये पोच जाए जो हमने मीठा सोडा, हाँ मिक्स हो जाए इसके अंदर सही। अब तो तुम मोत्तर बना लोगी आसानी से, और मोत्तर को बेसन के लड्डू बहुत अच्छे बनाने आते हैं, बहुत अच्छे बनाती है, और तुम बनाओ ना किसी दिन, दिखाओ अपने अपनी रेसिपी। हाँ बहुत अच्छी बनाती है माशाल्लाह से ये। तो ये देखिए तैयार हो गए, तो हमें जितने बड़े गुलाब जामुन हमें बनाने हैं, हम उसके हिसाब से ये छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे। मोत्तर तुम भी बनाओ। हाँ 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 ना, तो आप भी आओ, क्यों नहीं आओगी। और इसको हम इस तरह छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे, तो छोटी छोटी बॉल्स। हाँ तो हमारा बैटर बहुत अच्छा बना हुआ है, देखिए कोई इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो क्या कहते हैं इसको, जैसे फटाफटा से होता है ना। हाँ ये बिल्कुल चिकना है चारों तरफ से, ऐसी इतनी बड़ी हमने ये बनाया है गुलाब जामुन, और इसको हम बना बना के रखते रहेंगे। और हम बना रहे हैं यहाँ पर गुलाब जामुन, तीनों बना रहे हैं ऐसे राउंड 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 कौन जल्दी, ओ ये इतना बड़ा किसने बनाया? भाभी ने भाई, बेईमानी है, इतना बड़ा नहीं, एक से बनाओ, एक से सबको, जो भी गेस्ट आएंगे सबको एक से बराबर मिलने चाहिए। सही। और ये इतना छोटा किसके लिए बनाया? हसन के लिए। ये किसने बनाया इतना छोटा सा? एक से बनाओ एक से गोलियाँ, एक से बनाओ एक से कपड़े, एक से गोलियाँ। तो ये मैंने कितना बड़ा भाई, 2 खा लेना, मगर एक से बनाओ तो खूबसूरत लगते हैं। जब ये बन के तैयार होंगे ना, तो एक से होंगे तो खूबसूरत लगेंगे, वरना कोई छोटा, कोई इतना पिद्दी सा, कोई इतना बड़ा सा, ऐसा लगेगा कोई बच्चों का खेल। ये बच्चों के लिए भी बनाए, बड़ों के लिए भी बनाए। चलो इस तरह हम सारे बना लेंगे गुलाब जामुन, ठीक है ना। अच्छा तो ये हमने गुलाब जामुन हमने बना लिए यहाँ पे पेड़े, और मैंने सोचा कि थोड़े हम वो बनाते हैं ब्लैक वाले गुलाब जामुन, काला जामुन, काला जामुन, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी सी भी होते हैं और अंदर सॉफ्ट भी होते हैं। अच्छा इसके अंदर बादाम भी भर देते हैं ना, तो एक मिनट ऐसे नहीं बनेंगे, इसमें चीनी डलेगी थोड़ी, ये मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच भर के चीनी। अच्छा डिफरेंट होता है उसका थोड़ा सा। हाँ तो चीनी डलती है। हाँ ये 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ इसके अंदर, चीनी को क्या हो गया थोड़ी सी। अच्छा ये चीनी डाल के ना इसको मिक्स करेंगे, ताकि जब हम फ्राई करेंगे ना तो क्रिस्पी बने। अच्छा हाँ सिर्फ 1 चम्मच डलेगी? हाँ बस 1 चम्मच डाल दिया मैंने, इसको डाल कर मिक्स करूँगी। देख लो अंबर, अंबर सीख लो तुम भी, अंबर ने बॉल्स बनाना बहुत अच्छे से सीख ली बहुत अच्छे से, और कितनी स्मूथ बनी है ये। हाँ इसका स्मूथ होना लाजमी है ना। हाँ देखो कितनी चिकनी है, देखो हर तरफ से बिल्कुल स्मूथ। तो ये जो हमें ये थोड़ा सा हमने बचा दिया था ना इसका गुलाब जामुन का बैटर, इस तो हमने इसके इस तरह की शेप दिए, और ऐसे बनाएंगे हम इसको थोड़ा सा गोल करके, और फिर इस तरह लंबान में करके, और ये दोनों साइड से बस इसको प्रेस कर देंगे, ये बन गया। कितना इजी है ना बनाना। ये हम बना रहे हैं काले जामुन, काले जामुन, गुलाब जामुन वो है गुलाब जामुन जामुन का है जामुन नहीं है, गुलाब कहाँ है हाँ। और इसके अंदर ना, इसके अंदर सब्ज़ इलायची भी आप थोड़ी सी पीस के इसमें डाल सकते हैं, मगर मैंने इसमें नहीं डाली, इसका वैसे ही इतना अच्छा फ्लेवर हो जाता है। अंबर एक हाथ तो तुम बनाओ, सीखो ना ये वाला बनाना भी ऐसे बनेंगे अबे बेले थोड़ी बना रहे अंबर, अर्थ मॉम ये बना रही हूँ लंबे जामुन क्या कैसे करना था मोटे मोटे अम्बर
कौन खाएगा ये इतना मीनारे पाकिस्तान में। ये देखो ऐसे बन गए, ऐसे बनाते हैं ऐसे सीखो। अम्मी को भी वैसे मैंने बताया। सही जा रही हो बेटा। अच्छी बात है, बेटियों में माँ का ये असर आता है। अब इतना आसान तो जब तुमने गोल बना लिया तो ये क्यों नहीं बन रहा है? नहीं है, क्यों नहीं बन रहे, बन तो रहे। अच्छा जब भी बच्चों को ना मिट्टी से खिलाने देते हैं कि ताकि बच्चों को शेप बनाना है, बच्चे खेलते हैं ना। हाँ, बच्चे बड़े होके वो गुलाब जामुन बनाएंगे गोल लंबे। सही। हसन हसन आप क्या खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, हमें भी दो, हमें भी भूख लग रही है। नहीं दोगे, हमें नहीं दोगे? हसन के तो बहुत अच्छा बेड है भाई ये। और यहाँ पे मैंने एक और कढ़ाई रख दी, पूरा हमारा हलवाई वाली दुकान लग रही है। अम्मा छुरी देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में इतना घी बहुत है, एक किलो पहले फ्राई कर लेते हैं, अगर कम होगा तो और कर। हाँ, लेते हैं। और क्या, एक किलो बहुत होता है। तो घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें एक एक करके इसको फ्राई करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हम डाल रहे हैं और अच्छे से बन जाए। ये मेहनत तो करी है हमने। चलाना भी है? नहीं नहीं अभी चलाना नहीं है, छोड़ना हटना, चलाना नहीं है। बस इसको हम ऐसे ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से करेंगे तो ये खुद ही ऊपर आना शुरू होंगे ना, खुद ही आएंगे ये ऊपर। इसको टच नहीं करना। तो ये हमने इसको निकाल लिया और अब हम इसको डालेंगे चाशनी में। चाशनी देखिए हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई। अमर चम्मच निकालो इसका और इसमें हम डालेंगे बिस्मिल्लाह। और इस तरह से हम और भी फ्राई कर देंगे। हाँ बस एक दफ़ा गर्म हो गया ना ये, तो अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा टेम्परेचर हुआ हुआ है इसका। और ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए गुलाब जामुन और इसमें हम डालते रहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बाकी भी हम इसी तरह से फ्राई करते रहेंगे जल्दी जल्दी बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंबर इसको इसको टच नहीं करना बेटा, अभी गर्म है शीरे में। हाँ शीरे में गर्म है, उसमें टच नहीं हो चम्मच, ये भी नहीं करना। हाँ चलो हटो। तो ये इसको हम इसको भी इसी तरह से हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और आज मैं एक बात बताऊँ, आज कौन सा रोज़ा है, आज 14वां रोज़ा है ना। हाँ 14वां रोज़ा है। तो रमज़ान में मेरे साथ एक वाक़या पेश आया था, जब हम लोग किराए के मकान में रहते थे तो वहाँ पर ऐसा था कि जैसे जब हम घर बंद करेंगे ना तो डायरेक्ट जीना था, और जैसे लॉक लगा के हम जैसे पलटेंगे ना तो बस सीढ़ियाँ थी, कोई आगे स्पेस नहीं था। तो अंबर जो थी ना, अंबर ईद पर हुई थी और रमज़ान में मेरा रोज़ा था, मैं मम्मी के घर जा रही थी तो मेरा जैसे ही पैर स्लिप हुआ तो मैं नीचे तक ऐसे गई हूँ, बिल्कुल ऐसे खड़ी गई हूँ, मैं ऐसे गई हूँ जैसे कोई पत्थर लगा दिया किसी ने। और नीचे ना ये क्या कहते हैं तुम्हारे पापा है ना, कार में वो डाल रहे थे पानी बैटरी में, तो मैं मुझे पता नहीं चला कि मैं संभलूँ कैसे, मगर मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे दोनों हाथों की जो चूड़ियाँ थी ना वो टूट गई, और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने ना मुझे दोनों हाथों से किसी ने पीछे से ऐसे न्यू मतलब आगे से ऐसे करके ना न्यू पकड़ लिया ऐसे करके मुझे, और रोका। और तो रुकते रुकते जो थी ना मैं सीढ़ियों पे से एकदम बैठ गई, और फिर तकरीबन 3 सीढ़ियों पे मैं बैलेंस में आई हूँ, मैं मतलब ऐसे ऐसे लुढ़कती हुई इस तरह से मैं। और नीचे ना मोहसिन की कार खड़ी हुई थी लोहे की, तो अब तुम्हारे पापा ने मुझे देखा, उन्होंने बोला ये तो भाई इसका काम हो गया, अब इतनी ऊपर से नीचे से गई हूँ मैं, और मैं मेरी चीख निकल रही थी, मुझे पता नहीं चला था मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा मुँह कहाँ जाएगा और मैं कहाँ जाऊँगी, पता नहीं
कौन सी गैबी ताकत थी जिसने मुझे बचाया। हाँ रोज़ा खोल के जा रही थी मम्मी के घर, तो वो मुझे अभी तक सीन याद आता है। और ना तुम्हारे पापा कहने लगे हॉस्पिटल चलो हॉस्पिटल चलो, मैंने बोला मैं नहीं जा रही, मैं गई नहीं और ऊपर आके बस लेट गई। और फिर ना बस अल्लाह ताला कहते ना अल्लाह ताला बचाता है हर उससे, तो इतने मामूली बात नहीं है। इतनी ऊपर से सीढ़ियों पर से मैं गिरी और किस तरह अल्लाह ताला ने मुझे बचाया। अल्लाह ताला वो ना फरिश्ते झेल लेते हैं कहते हैं ना, सही फरिश्ते आ जाते हैं हाँ, बचाने के लिए। मुझे अभी तक मुझे महसूस होता है एकदम किसी ने जो है ना इस तरह से दोनों कंधों पे से मुझे इसे स्टॉप किया था और यूँ बैठ गई मैं सीढ़ी पे। वो मैं भूल नहीं सकती जब भी मैं याद करती हूँ, नंबर इसको हिलाना नहीं है, जब भी मैं याद करती हूँ ना तो मैं एकदम मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मुझे। और मैं कहती हूँ यार वाकई अल्लाह पाक कितना अपने बंदों पे कर्म करता है और कितना बचाता है हर तरीके से हर बुराई से। कुछ ना कुछ हाँ तो ये पढ़ाई जो होती है ना, पढ़ाई होती है दुआएं होती हैं, तो ये आड़े वक्त में काम आ जाती है और इंसान को हर बुरे वक्त से बचाती है। ये बात बिल्कुल सही है। और मेरे फिर इतनी तकलीफ रही थी मेरे पाँव में जैसे ये था, मगर मैंने नमाज नहीं छोड़ी, रोज़ा नहीं छोड़ा मैंने। हाँ बच अब नहीं और होंगे गोल्डन ब्राउन छोड़ दो छोड़ दो, तो रोज़ा मैंने नहीं छोड़ा और नमाज भी नहीं छोड़ी। बस मैं बैठा नहीं आता था मुझसे क्योंकि मेरे पूरे सूजन आ गई थी मेरी लेग पे, मगर ये कि कोई मुझे ऐसा नुकसान नहीं हुआ। इसको डायरेक्ट हमने डाला है ना, इसको हमने थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है इसको, तो हमने लाइट ब्राउन किया था इसको, हमें काले गुलाब जामुन बन रहे हैं ना थोड़ा डार्क करना है हमें ताकि काले गुलाब जामुन बने। अभी इसका कलर आना शुरू हो गया है तो ये देखें हमें इसको इतना डार्क ब्राउन करना है, तो ये हम काले गुलाब जामुन बना रहे हैं तो इसका हमें डार्क कलर लाना है। और वो हमें लाइट कलर किया था, ये डार्क कलर लाना है हमें। देखें अभी इसका कलर आना शुरू हो गया है, थोड़ा सा और हो जाए बस अभी इस कलर आना शुरू हो गया तो इसको देखते रहेंगे हम, तो बहुत क्रिस्पी बनते हैं। मुझे इन गुलाब जामुन से ज़्यादा अच्छे ये वाले लगते हैं, ये थोड़े से कड़क से होते हैं, क्रिस्पी भी लगते हैं और मैं जब भी मंगाती हूँ तो यही वाले मंगवाती हूँ मैं। तो देखें अभी इसमें आ रहा है ना काले गुलाब जामुन का जो, तो बस इसको हम अब निकाल लेते हैं, ये हो गए। ये देखें कितना अच्छा कलर आया माशाल्लाह से, और इसको भी हम डाल देते हैं चाशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा आधे ऐसे भी बनते हैं, आधा खोया डालते हैं, आधे गुलाब जामुन होते हैं उसमें कट लगा के, तो इसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये भी देखें इसका कितना अच्छा कलर आया, और इसको भी हम निकाल के इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह से हमारे सारे गुलाब जामुन बन चुके हैं और सारे हमने डाल दिए हैं बड़ी कढ़ाई में, और इसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि अंदर ये डूब जाए, मीठी मीठी हो जाए। और इसको आप चाशनी में एक दो घंटे आप डाल के भूल जाएं जब तक आप दूसरे काम कर लें, बनने खाना भी शुरू कर दिया। कैसे बने दिखाओ, हमें बताओ कैसे बने। इतने सॉफ्ट हैं, मज़े के बने हुए, मज़ेदार, बहुत मज़े के, इतने सॉफ्ट बने कि बगैर दांत वाले भी खा सकते हैं इसे। तो ये देखें हमारे गुलाब जामुन चाशनी में अच्छे से डूबे हुए हैं, और अब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। वैसे तो मेरी कल इफ्तार पार्टी है, तो मैंने आज रात को ये इफ्तार करने के बाद मैंने काम शुरू कर दिया, तो आपको दिखाती हूँ मैं दोनों गुलाब जामुन निकाल के। ये तो है, ये है मेरा फेवरेट काला वाला, ये है ब्राउन वाला, ये दोनों को दिखाती हूँ और चेक कराती हूँ कैसा लगा। तो खैर हमारा हम कोई हलवाई तो है ही नहीं मैं दिखाऊंगी, मैं काटूंगी चलो देसन दिखा। ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी गर्म है थोड़े, मुझे खिलाएंगी अभी थोड़ा गर्म है, नहीं मैं खिलाऊंगी, मैं चक रही थी ज्यादा गर्म तो नहीं है। और ये डुबकियां लगा रहे हैं इसके अंदर, लो मोतक देखो अभी थोड़ा थोड़ा गर्म ही है कुनकुना सा, तो इसीलिए मैंने चखा था पहले। और गर्म गर्म तो बहुत मजे के, अरे गर्म अच्छे लग रहे हैं ना, गर्म हाँ इसको गर्म कर लेंगे, कल हम जब इफ्तार पार्टी करेंगे ना तो हम इसको गर्म करके दोबारा फिर हम हाँ। और पता है क्या हमने बनाया ना, ये हमने बनाया ये 1 किलो मावे में हमने बनाए, तो कितने बन गई है गिनो अच्छा मैं काउंट करती हूँ, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
41 है ये। तो काले भी तो है, 41 गोल गोल वाले हैं गुलाब जामुन। और काले वाले बताती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 और ये एक 17 दिन, मतलब कितने सारे बन गए हो जाएंगे हमारे, 20 हाँ 20 ये काले जामुन होंगे हमारे। और ये तो आज की हमारी गुलाब जामुन की रेसिपी आपको कैसी लगी? और अंबर तो शुरू हो गए, अंबर को सबसे ज्यादा पसंद आई। और अभी हम इसको निकाल कर इसमें चांदी के वर्क लगाएंगे, थोड़ा पिस्ते और बादाम से गार्निश करेंगे। तो अभी हम ये तैयार हो रहा है, अभी इनको अभी चाशनी में डूबे रहने दो। तो जब तक के हम आपसे लोगों से इजाज़त चाहते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। और फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में। कल हम इफ्तार पार्टी कर रहे हैं अपने घर के अंदर, इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। और अब हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे के काम समेटेंगे। तो आज कोशिश होगी हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हम निपटा लें। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि मैं आप सबको दुआओं में याद रखती हूँ। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।